देवी अहिल्याबाई की पुण्यनगरी इंदौर में आस्था का कुंभ उमड़ पड़ा। श्री पितृश्वर हनुमान धाम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत निकली भव्य कलश यात्रा ने पूरे शहर को आस्था, भक्ति और श्रद्धा के रंग में डुबो दिया। श्री विद्या धाम से लेकर श्री पितृश्वर हनुमान धाम तक निकली इस भव्य शोभा यात्रा में 1,00,000 से भी अधिक महिलाएं शामिल हुई। माता अंजनी के स्वरूप को धारण कर मातृशक्ति की प्रतीक महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर भगवान श्री राम और हनुमान का आह्वान करते हुए चल रही थी। संभवतः किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकली ये विश्व की सबसे बड़ी शोभा यात्रा थी। इस भव्य शोभा यात्रा में बैंड बाजे, हाथी घोड़े और बघियां भी थी। शोभा यात्रा में सबसे आगे बघियों में सवार होकर चल रहे थे, उनके पीछे भजन मंडलियां भजन गाते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा में परम पूज्य संत साध्वी महामंडलेश्वर माँ कनकेश्वरी देवी, राष्ट्र संत श्री उत्तम स्वामी जी, भानपुरा शंकराचार्य जगत गुरु ज्ञानानंद जी तीर्थ, महामंडलेश्वर श्री चिन्मयानंद जी सरस्वती महाराज, विद्याधाम महामंडलेश्वर चैतन्य स्वरूप जी अखंड धाम, महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज खातीपुरा राम मंदिर, पीलियाखाल मंदिर के महामंडलेश्वर श्री राम गोपाल दास जी महाराज, महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास जी महाराज पंचकुया, महामंडलेश्वर श्री दादू महाराज और महामंडलेश्वर गोपाल दास जी महाराज एवं पीलियाखाल मंदिर के महामंडलेश्वर महंत श्री रामचरण दास जी, कंप्यूटर बाबा श्री राधे राधे बाबा तथा उज्जैन, चित्रकूट, वृंदावन, अयोध्या, बनारस, रामेश्वरम, नासिक, देपालपुर, धार, बेटमा, पीथमपुर, सावेर सहित विभिन्न तीर्थ स्थलों और चारों धाम से आए कई साधु संत और दिव्य योगी शामिल थे। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के शिव संकल्प के तहत आयोजित इस कलश यात्रा में विजयवर्गीय ने रमेश मेंदोला और आकाश विजयवर्गीय के साथ घर घर जाकर लोगों को इस भव्य शोभा यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। यात्रा मार्ग पर विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारमार्थिक संस्थाओं, व्यापारिक एसोसिएशन और श्रद्धालु व्यक्तियों ने 1,000 से ज्यादा स्वागत मंच लगाए थे। कहीं फल, कहीं जूस, कहीं छाछ, कहीं लस्सी तो कहीं फलाहार से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं के लिए संस्थाओं ने जगह जगह पानी की व्यवस्था की थी। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए पितृ पर्वत पर विधायक रमेश मेंदोला और विधायक आकाश विजयवर्गीय उपस्थित थे। उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और फिर धार्मिक समारोह शुरू हुए। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आज से श्री पितृश्वर धाम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत लघु कुंभ की शुरुआत हुई है। इसके तहत धाम पर 3 मार्च तक महामंडलेश्वर कनकेश्वरी देवी जी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव पुराण कथा का वाचन करेंगी, जबकि राष्ट्र संत उत्तम स्वामी जी महाराज सुबह 10 बजे से 1 बजे तक श्री राम कथा कहेंगे। इसके साथ साथ विद्याधाम के महामंडलेश्वर श्री चिन्मयानंद जी सरस्वती के तत्वावधान में सुबह 9 बजे अति रुद्र यज्ञ भी होगा। 3 मार्च को नगर भोज का आयोजन किया जाएगा। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.